फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पेस अप। आज हम देखने वाले हैं अपना नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि एडोलेसेंस एज, जिसको हिंदी में हम किशोर अवस्था भी कहते हैं। किशोर अवस्था क्या है, क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके अंदर में, और इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स और हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। Pace up. Learn and grow. टॉपिक स्टार्ट करने के पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको हेल्प करते रहे आपके एग्जाम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, एडोलेसेंस स्टेज। तो सबसे पहले एडोलेसेंस स्टेज यानी किशोर अवस्था क्या है। किशोर अवस्था WHO ने डिफाइन किया है एडोलेसेंस एज एनी पर्सन बिटवीन एज 10 एंड 19। 10 से 19 साल के जो भी बच्चे हैं उनको हम एडोलेसेंस स्टेज के अंदर में लाते हैं। इट इज अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। क्या है ये? एडल्टहुड और चाइल्डहुड के बीच में ट्रांजिशन होता है, यानी कि चाइल्डहुड से बच्चा एडल्टहुड, बचपने से बड़े की ओर बढ़ता है। इस स्टेज को ट्रांजिशन पीरियड और गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है। इसमें बहुत सारे चेंजेस दिखाई देते हैं। चेंजेस कहाँ कहाँ दिखाई देंगे? बॉडी में एंड द वे अ यंग पर्सन रिलेट्स टू द वर्ल्ड। एक बच्चा, एक इंसान कैसे अपनी चारों तरफ की दुनिया की आने वाली प्रॉब्लम्स को, लोगों को डील करता है, वो सब इस स्टेज में ही डेवलप होता है। मैनी फिजिकल, सेक्सुअल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल चेंजेस दैट हैपन ड्यूरिंग दिस टाइम कैन ब्रिंग एंटीसिपेशन एंड एंजाइटी फॉर बोथ चिल्ड्रन एंड देयर फैमिलीज। दोनों बच्चे और उसकी फैमिली के लिए एक एंटीसिपेशन और एंजाइटी का पीरियड होता है, क्योंकि बच्चे में बहुत सारे चेंजेस दिखाई देते हैं, इमोशनल, सोशल, कॉग्निटिव, और बहुत बार पेरेंट्स उस चीज को समझ नहीं पाते हैं एडोलेसेंस एज के चेंजेस को, और बच्चे को भी बहुत सारी चीजें खुद में समझ नहीं आती हैं कि मेरे में ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है। यही एक स्टेज है जहाँ पे लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है, जो कि स्किल्स दिखाई देने लगती हैं, और इस स्टेज में स्टेबिलिटी की भी बहुत कमी होती है। अब इसके अंदर की कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिनको हम देखेंगे। सबसे पहली डेफिनेशन जो कि स्टैनली हॉल ने दी हुई है, और उन्होंने कहा है कि एडोलेसेंस एक ऐसा पीरियड है जिसको स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का पीरियड भी कहा जाता है। रोशन ने कहा है कि लिव सेल्फ सफिशिएंट लाइफ, यानी कि एक ऐसी जिंदगी जियो जो सेल्फ सफिशिएंट, खुद में को सेटिस्फाइड करे। फ्रॉड ने क्या है? प्यूबर्टी या होमोसेक्सुअल का एक स्टेज है। पियाजे के हिसाब से स्टेज ऑफ फॉर्मर ऑपरेशन है। एरिक एरिक्सन, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट एक नाम है आपके एडोलेसेंस स्टेज का, जिन्होंने कहा है कि इस स्टेज में आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं, यानी बच्चा खुद को ढूंढता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या बनना चाहता हूँ, या लोग मुझे कैसा समझते हैं। स्टेज को स्प्रिंग स्टेज भी कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल डेवलपमेंट इज वेरी फास्ट। इस स्टेज में जो फिजिकल डेवलपमेंट है, बॉडी में जो चेंजेस है, वो बहुत फास्ट होते हैं। चेंज इन पिच ऑफ वॉइस, आवाज में भी चेंजेस सुनाई देते हैं। बॉयज की आवाज बहुत भारी हो जाती है और गर्ल्स की सॉफ्ट और स्वीटर हो जाती है। ग्रोथ ऑफ हेयर इन जेनिटल ऑर्गन, बालों का जेनिटल ऑर्गन के आसपास में उगना। ग्रोथ ऑफ सेमेंस इन बॉयज एंड स्टार्ट गर्ल्स स्टार्ट विद द मेंस्ट्रुअल साइकिल। गर्ल्स का जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। इमोशनल इनस्टेबिलिटी होती है। इमोशनल इनस्टेबिलिटी यानी कि कोई भी बहुत छोटी सी बात बहुत बुरी लग जाना, या फिर फ्रेंड्स के प्रति या पेरेंट्स के प्रति जल्दी से नाराज हो जाना। ईगोइस्टिक, किसी ने ध्यान नहीं दिया, इग्नोर किया, तो वो बहुत ज्यादा उनको हर्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा शर्मीले हो जाते हैं स्टेज में। सेक्सुअल फीलिंग स्टार्ट हो जाती है एंड वॉन्ट्स फ्रीडम, हर कुछ अपने हिसाब से करना है, वॉन्ट्स फ्रीडम, फ्रीडम चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है फिजिकल डेवलपमेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट है एडोलेसेंस स्टेज में, जो कि हमको क्लियर दिखाई देते हैं ये चेंजेस। ग्रोथ इन हाइट एंड वेट, जो गर्ल्स की है हाइट, वो टिल 16 तक बढ़ती है, 16 इयर्स ऑफ एज तक,
बॉयज की कंटिन्यू रहती है टिल 18 और उसके ऊपर भी होती है। बॉयज का वेट हमेशा ज्यादा होता है, बॉयज के वेट में भी गेन होता है। डेवलपमेंट ऑफ बोन्स, फेस के जो बोन्स है वो चेंज होंगे, बॉडी के जो फुल बॉडी है उसमें जितनी भी बोन्स है वो कम्प्लीटली डेवलप हो जाएंगी। जो स्मॉल बोन्स है वो छोटी छोटी बोन्स क्लब होके नए जूसेस क्रिएट करेंगी और कम्प्लीट बिग बोन्स बना देंगी। रेशियो ऑफ बॉडी पार्ट्स, हैंड्स और लेग्स जो है वो बड़े दिखाई देने लगेंगे और डेवलपमेंट फेस का भी जो डेवलपमेंट है वो कम्प्लीटली अलग हो जाएगा, फेस में भी चेंजेस हो जाएंगे। ग्रोथ ऑफ हेयर, जेनिटल ऑर्गन के में हेयर ग्रोथ होगी और बॉयज के चेस्ट और चिन में भी दिखाई देगी। चेंज इन वॉइस, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बताया था, बॉयज की जो वॉइस है वो हैवी हो जाएगी, गर्ल्स की जो होगी वो स्वीटर एंड सॉफ्ट हो जाएगी। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, गर्ल्स का स्ट्रक्चर बहुत अट्रैक्टिव दिखाई देने लगेगा, विमेन फॉर्म में आ जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ ग्लैंड्स, प्रोड्यूस जूस एंड डेवलप अ फीलिंग ऑफ सेक्स, जो ग्लैंड्स होंगे वो एक तरीके का जूस प्रोड्यूस करते हैं और जो एक सेक्सुअल फीलिंग को डेवलप करते हैं। फिजिकल स्टैमिना जो है वो अपने हाइट पे होता है, पीक पर होता है और बच्चे जो सोचते हैं कि हम हर कुछ एडवेंचरस करना चाहते हैं और हम हर कुछ कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम, टीनएजर्स जो होते हैं लर्न टू कंट्रोल द एनवायरमेंट एंड देन सेल्फ, खुद के एनवायरमेंट को और खुद को कंट्रोल करना जानते हैं और स्पेशली जो गर्ल्स की मेच्योरिटी होती है कंपेयर टू बॉयज, वो ज्यादा दिखाई देती है। कुछ डिसीजेस का डेवलप होना स्टेज में, 10th पॉइंट में पिंपल्स एंड एक्नेस, गर्ल्स जो एनेमिक हो जाती हैं, जल्दी से थकान होने लगती है और सम चिल्ड्रन हैव लंग्स एंड हार्ट प्रॉब्लम्स आल्सो, तो कुछ बच्चों में लंग्स और हार्ट प्रॉब्लम भी होती है। तो इस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फिजिकल डेवलपमेंट डिस्कस किया है। अभी इसके बहुत सारे सेक्शन बाकी हैं, जैसे कि प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, टीचर का रोल क्या होता है, पेरेंट्स का और सोसाइटी का क्या रोल होना चाहिए, वो हम सब कुछ अलग अलग पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। इस इतने पार्ट में अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो या आपके कुछ भी क्वेरीज हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं bhadkulshweta@gmail.com पर, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू।